अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शैबिन किचन। आज हम बनाएंगे चिकन हॉट एंड सार सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चिकन का एक ब्रेस्ट पीस लेके मैंने इसे 2 कप पानी और सॉइल डाल के बॉईल करके रख लिया है। उसे श्रेड भी किया है मैंने, और जो रिमेनिंग वाटर था उसे हम सूप के लिए यूज़ करेंगे। ग्रीन चिलीज ली है मैंने कुछ, सेसमी ऑयल है, आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। विनेगर है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर है 2 टेबल स्पून, कैबेज लिया है मैंने इसे ग्रेट करके रख लिया है, कैप्सिकम है और स्प्रिंग अनियन को भी काट के रख लिया है। सबसे पहले हम पैन के अंदर ऑयल डाल देंगे, उसके बाद सारी वेजिटेबल डाल के हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ज़्यादातर चाइनीज़ फूड्स जो होती है वो सेसमी ऑयल में ही बनती है, उसका जो फ्लेवर होता है, जो टेक्स्चर होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। सारी सीजनिंग हम डाल देंगे, उसके बाद सॉल्ट भी डाल देंगे वेजिटेबल के हिसाब से। चिकन डाल के थोड़ा सा स्टर करेंगे, उसके बाद हम चिकन स्टॉक डाल देंगे। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। 2 मिनट मैंने इसे ढककर पकाया था ताकि हमारी वेजिटेबल अच्छे से गल जाए। उसके बाद आखिर में हम इसे कॉर्नफ्लावर को पानी में डाइल्यूट करके हम सूप में डालेंगे। कॉर्नफ्लावर कभी भी हमने लास्ट में ही डालना है। इसके बाद हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। 2 से 3 मिनट में ये सूप थिक होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब हमारा सूप रेडी हो चुका है। अब इस पर थोड़ा सा मैंने स्प्रिंग अनियन डाल लूँगी मैं, अगर ऑप्शनल है आप डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, स्प्रिंग अनियन का। सूप हमारा रेडी हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये रेनी सीजन के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त सूप है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बहुत हेल्दी सूप है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।